जब भी पति पत्नी में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, कलीग्स में, फ्रेंड्स में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? लड़ाई मतलब सामने वाला कुछ ऐसा कर रहा है जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो हमको फिर रिटॉर्ट करना पड़ रहा है। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, कोई ऐसी चीज़ जो हमको लगता है कि अगर होती रही तो ज़िंदगी नरक हो जाएगी, इसलिए हमको रोकना पड़ता है, तभी हमको लड़ाई करना पड़ता है, बहस करना पड़ता है, आर्ग्यूमेंट करना पड़ता है। जब आपके दोस्तों में, आपके फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में, आपके कलीग्स में, आपके आपके बॉसेस में, जहाँ कहीं पर भी आपकी लड़ाई होती है, हस्बैंड वाइफ में, बच्चों के साथ, उस समय मैं चाहता हूँ आप इस बात को याद रखें जो मैं बोल रहा हूँ आपको। बहुत लंबी स्टडी हुई थी, बहुत ही लंबी, ऑलमोस्ट 75 ईयर्स की स्टडी, 74 ईयर्स की स्टडी, उसमें करीब 750 लोगों के साथ उन्होंने एक ट्रैक किया था उन लोगों की हेल्थ का और खुशी का सोर्स क्या है। पता नहीं था, लोग ऐसे ही सर्च कर रहे थे। जो लोग उसमें, दो ग्रुप में लोगों को लिया गया था, हार्वर्ड से और कुछ गरीब घर से, 700-800 लोगों को। बहुत ही लंबी किस्मत की बात है कि इतनी लंबी स्टडी हो पाई, यानी तो यूजली 10-12 साल में ही लोग इधर उधर जाते हैं, रिसर्चर्स का चले जाते हैं, पैसा नहीं मिलता लोगों को, फंडिंग खत्म हो जाती है, बट ये रिसर्च हो सकी। तो इस रिसर्च से कुछ खास चीज़ें मालूम पड़ी आदमी की हेल्थ और खुशी के बारे में। जो लोग भी बहुत लंबी ज़िंदगी जी सके और खुश रह सके, उसके पीछे 3 कारण पाए गए थे। मैं चाहता हूँ पहले आप इसको समझ, उसके बाद अपनी ज़िंदगी में जब भी आपकी लड़ाई हो जाए, लड़ाई होने वाली हो या लड़ाई हो चुकी हो, तब इस बात को कोशिश करिएगा अपने आप को याद दिलाने के लिए। क्योंकि दुनिया में सर्वे हुए, बहुत से सर्वेज हुए, लोगों से पूछा गया कि बताइए सक्सेसफुल आप अपने आप को कब मानेंगे, कब आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी खुश है, खुश रहेगी। तो ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि भाई पैसा कमा लेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, या तो हमारा नाम हो जाए, लोग हमको जान जाए, फेम मिले तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन इस स्टडी ने सब कुछ बदल दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग कोई ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है, कोई मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है, ये फैक्चुअल स्टडी है। इस स्टडी में 3 चीज़ें पाई गई कि आदमी के हेल्थ और हैप्पीनेस का रीज़न। सबसे पहला कि क्लोज रिलेशनशिप आपके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहीं पर अगर आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो आपके लिए बीमारी का एक दरवाज़ा है। अकेलापन मतलब बैक्टीरियाज, वायरसेस, कैंसर्स। और वहीं पर अगर आप हैप्पी हैं, खुश हैं, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, आपके माइंड का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो पहली बात तो ये है। तो हम अपने आप से पूछिए, जब आपकी वाइफ से, आपके बच्चों के साथ, आपके कलीग के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ लड़ाई हो रही है, तो उस बात को लीजिए और देखिए कि वो बात जिसके लिए आप बहस कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आपके बॉडी में आने वाला बुढ़ापा, बीमारी और दुख, बिकॉज वो आएगा। इस रिसर्च के हिसाब से ज़्यादातर लोग जो खुश रहे हैं, उनका ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ हो, उससे बुढ़ापा नहीं आया, उससे बीमारी नहीं आई, बीमारी आई क्योंकि वो अकेलापन महसूस कर रहे थे, और वो बाकी सारे फैक्टर सेकेंडरी फैक्टर थे, प्राइमरी फैक्टर ये था अकेलापन। दूसरा, इस रिसर्च में पाया गया कि जो लोग भी ज़्यादा, जो रिलेशनशिप का क्वालिटी था वो बहुत मैटर करता है, बिकॉज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बहुत से दोस्त हैं लेकिन उनका कनेक्शन सुपरफिशियल है। शादी है, 10 साल से शादी चल रही है उनकी, निपटा रहे, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है। ज़िंदगी ऐसी चल रही है जैसे कि एक दूसरे के साथ नर्क है। तो उस कंडीशन में उन्होंने पाया कि अगर कोई आदमी बहुत प्यार से, खुशी खुशी, अफेक्शन के साथ रहता है, तब तो आदमी खुश रहेगा और हेल्दी रहेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, सुबह शाम रात हमेशा हमेशा, तो उससे तो अच्छा है कि वो डिवोर्स लेकर के अलग हो जाए। अगर आपके दोस्त हैं तो उनसे आप अलग होकर के, इसका मतलब आप लोगों का वो दोस्त है नहीं, वो आपके कहीं ना कहीं गलती से आप लोग मिल गए थे और आप उनसे अलग हो जाइए। अगर आप ऐसी जॉब में हैं जहाँ पर हर रोज़ सुबह शाम आपके साथ टॉर्चर होता है और उसमें से आप नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप उसको छोड़ दीजिए। अगर आपके बच्चे आपको परेशान करें तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करिए कि आप उनके साथ कम से कम बात करें। एट द सेम टाइम अपने आप से ये पूछिए कि जिस मुद्दे पर मैं बहस कर रहा हूँ, लड़ाई कर रहा हूँ, टॉर्चर कर रहा हूँ उसको भी और ख़ुद को भी, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या मेरा हेल्थ और मेरी हैप्पीनेस। और तीसरी, ये भी इसी का पार्ट है रिसर्च का, कि जिन लोगों ने भी पूरी ज़िंदगी में एक खुशहाल रिलेशनशिप को जिया है अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, लोगों के साथ, उनका ब्रेन भी बहुत स्लो एज हुआ है। और वाइस वर्सा, जो लोग डिसकनेक्टेड रहे हैं, लड़ाई झगड़े में रहे हैं, अकेले अकेले रहे हैं, अकेलापन मतलब
दूसरों के साथ डिसकनेक्टेड होना। आप भीड़ में भी अकेले हो सकते हैं, आप पब्लिक में भी अकेले हो सकते हैं, आप ऑफिस में 100 लोगों के साथ भी अकेले हो सकते हैं, घर में खूब ढेर सारे रिश्तेदारों के बीच में भी अकेले हो सकते हैं। अकेलापन मतलब माइंड का अकेलापन। ऐसे लोग बहुत जल्दी इंसोमनिया में, मेमोरी लॉस में, अल्जाइमर्स में, पार्किंसंस जैसी बीमारियों में गए हैं, ब्रेन सिकुड़ जाता है। अब तो मेरी, मान लीजिए किसी से भी थोड़ी बहुत भी बहस होती है तो मैं अपने आप से यही पूछता हूँ, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जो वो आदमी कह रहा है अगर उसको ठीक लग रहा है तो करे, मैं अपने आप को उससे अलग हटा लेता हूँ, मैं अपने थॉट प्रोसेस को उससे अलग हटा लेता हूँ। अगर कोई रिश्तेदार है वो मुझे बहुत टॉन्ट मार रहा है तो मैं अपने आप को धीमे धीमे उससे डिस्टेंस कर लेता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ मेरा माइंड उसके साथ लड़ाई करते करते अकेला हो जाए। हमारा माइंड पता है अकेला कब होता है? दूसरे की वजह से नहीं, अपनी वजह से, क्योंकि हम इधर से एंगर के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। जितना हम इधर से एंगर फेंकेंगे उतना ही हम अकेले हो जाएंगे। मेरा बेटा है मान लीजिए, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से, या मेरे माता पिता हैं वो मेरे हिसाब से मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो मेरा माइंड उनके प्रति एक एंगर वाले थॉट्स, एंगर वाले फ्रस्ट्रेशन वाले थॉट्स और बातचीत और एक्शंस और रिएक्शंस करेगा, उसी प्रोसेस में अकेला हो जाता है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को गहरा करना चाहते हैं क्योंकि आपके लिए आपकी हेल्थ और आपके लिए आपका खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके माइंड में से एक एक चीज़, नया चीज़ को भेजिए, फॉरगिवनेस को भेजिए। आप ये देखिए कि ठीक है, ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ दिनों में वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आप देखेंगे अगर आप शांत हो पाएंगे तो नया सोल्यूशन आएगा, नए तरीके की बातचीत निकल के आएगी। जो आप अपने साथ जब लोगों से बातचीत जिसमें आप बहस कर रहे हैं, यूजुअली बहस में होता भी यही है कि आप बहस में केवल अपना एंगर दिखा पाते हैं, अपने आपको अलग करके काट करके आप दिखा पाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, लेकिन जो बात आप बोलना चाहते थे वो भी नहीं बोल पाते हैं। तो आपका भी ब्रेन सिकुड़ता है, सामने वाले का भी ब्रेन सिकुड़ता है। और वहीं पर अगर आप काम डाउन हो सकें, हमेशा पॉसिबल नहीं होता ये, इसके लिए रियाज करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसके लिए अपने आप को एक स्पिरिचुअल रास्ते पे ले जाना पड़ता है, तब आप कम्युनिकेट कर पाएंगे अपनी वाइफ के साथ, बच्चे के साथ, दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, हर किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको शांत होना पड़ेगा। आपको किसी भी लड़ाई के अंदर दो चीज़ें होती हैं, मतलब जब भी दो लोग इन्वॉल्व होते हैं उसको लड़ाई बोलते हैं। कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो सामने वाला अगर फेंक रहा है आपके अगेंस्ट में कुछ कर रहा है और आप हट जाते हैं तो ताली नहीं बजती, लड़ाई नहीं होती। तब खाली सामने वाला कुछ बोल रहा है, आप अगर उसके लिए केयर करते हैं तो आप सुन करके शांत रहिए और उसके बाद अपनी बात उसको बोलिए जब वो शांत हो जाए। हो सकता है एक दिन बाद, दो दिन बाद या एक महीने बाद बोलिए, बट बी काम डाउन। एक नए तरीके से रिलेशनशिप को खोजिए, हर जगह पॉसिबल है। अगर हम सबके अंदर में ईश्वर है तो बहुत शांत है, हमारी सारी हरकतों को कितने जन्मों से वो झेल रहा है, हमारे अंदर का ईश्वर, उससे कुछ सीखिए। वही हेल्थ, वो हेल्दी है, हमारा ईश्वर हेल्दी है और वही हमको हेल्दी होना सिखा सकता है। इसका मतलब एक साइलेंट माइंड, एक पीसफुल माइंड खुश रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है और दूसरों को भी स्वस्थ कर सकता है। आपके अंदर में कैपेसिटी है, आपके आसपास में खुशी बिखेर सकते हैं आप। तो जब भी लड़ाई हो किसी के साथ तो अपने आप से पूछिए, मैं किस चीज़ के साथ हूँ, इस मुद्दे के साथ या खुशी और पीस के साथ? और फिर आपको नया रास्ता मिल जाएगा। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं होती, अब कभी नहीं होती। अगर आपको लगता है वीडियो बहुत बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, लोगों के लिए, तो इस वीडियो को वायरल करिए, ढेर सारे लाइक्स दीजिए। आप तो अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि एक बार इसको एक्सपेरिमेंट करिएगा अपने वाइफ के साथ, अपने फैमिली के साथ, जिनके साथ भी आपकी फ़ाइट होती है उसके साथ एक्सपेरिमेंट करिएगा। जब भी उसके साथ बातचीत हो, बहस हो, चुप हो जाइए, कुछ देर बाद जब आपका मन शांत हो जाए तब जाके बात करिए। इसको एक्सपेरिमेंट करके मुझे बताइएगा, एक हफ्ते 10 दिन बाद फिर से आकर मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसा लगा, क्या हुआ, सचमुच में कुछ हो पाया कि नहीं। और अपनी हेल्थ को देखिएगा, जो पेन है वो कम हो जाएगा, आपके अंदर थकावट कम हो जाएगी, आपके अंदर में एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी अगर आप फाइट में कम एंगेज करके कनेक्शन को प्रैक्टिस करेंगे। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अपने सारे ग्रुप्स में, सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रिलेशनशिप को बहुत गहराई से समझने के लिए हम लोगों ने लिमिटलेस चालू किया है। बच्चों के साथ अपने आप को कनेक्ट करने के लिए पेरेंटिंग का कोर्स है, SPPT, और भी ढेर सारे कोर्सेज हैं यहाँ पर, वो WBX है, BDM है, जनों का एडवांस कोर्स है, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, वो सब यहाँ व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।